जबलपुर के संजीवनी नगर इलाके में गुरुवार की रात को एक मारुति वैन में आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वैन में आग लगता देख सड़क पर चल रहे राहगीरों ने तत्काल आग को बुझाने का प्रयास कर आग पर काबू पा लिया गया। घटना की जानकारी लगते नगर निगम दमकल विभाग भी गाड़ियों भी मौके पर पहुंची। दमकल की गाड़ियों जब तक मौके पर पहुंचती इससे पहले ही स्थानीय लोगों ने आग को बुझा दिया था। आग की सूचना स्थानीय थाना गढ़ा पुलिस को भी लगा और वो भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल में पाया कि जिस मारुति वैन में आग लगी उसमें घरेलू गैस का उपयोग किया जा रहा था। पुलिस ने बताया कि मारुति वैन में उस वक्त आग लगी जब मारुति वैन का मालिक सुनील पटेल वैन में घरेलू सामान और घरेलू गैस डालकर जा रहा था। गैस डालते वक्त वैन में आग लग गई और वैन धू धू कर जलने लगी। पुलिस ने वैन संचालक के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर लिया और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम को रवाना कर दिया है। रात्रि 8:40 पर हमें फायर ब्रिगेड में सूचना मिली कि डॉक्टर बुधोलिया के पास संजीवनी नगर में एक मारुति वैन में आग लगी हुई है। फायर के 2 तत्काल में वाहन रवाना किए गए और जब हम यहाँ पर आए तो पब्लिक के द्वारा आग कंट्रोल कर ली गई थी। क्या वजह आई? वजह अभी कुछ नहीं मालूम है। आपका तरुण कनौजिया चालक। ये सूचना मिली लगभग 8:30-9 बजे कि कोई मारुति वैन में आग लग गई है बुधोलिया अस्पताल संजीवनी नगर रोड के सामने गढ़ा क्षेत्र में। तो तत्काल जो है थाने के आरक्षक शैलेंद्र जो पेट्रोलिंग में थे उस क्षेत्र में चीता पेट्रोलिंग में वो अपने साथी के साथ वहाँ पहुँचे तो देखे वहाँ मारुति कार में आग लगी है और मारुति कार में गैस सिलेंडर घरेलू गैस सिलेंडर एक पंप के द्वारा उसमें भरी जा रही थी इसी भी वो आग लग जाने की घटना हुई है। अब फायर की गाड़ी आके वो आग और लोगों ने वहाँ आग बुझाए और आरोपी सुनील पिता भीकम पटेल जो अपनी गाड़ी में मारुति वैन सफ़ेद रंग की है उसमें गैस भरने का काम कर रहा था अवैध रूप से तो उसको उसके विरुद्ध जो है ईसी एक्ट और लापरवाही पूर्वक कृत्य के काम भारतीय दंड विधान के तहत दर्ज कर प्रथम गिरफ्तारी की जा रही है। हाँ उसकी गिरफ्तारी कर रहे हैं। तो देखा कि गाड़ी में आग लगी है तो हम लोगों ने वहाँ पर गाड़ी खड़ी करके यहाँ आए और यहाँ के क्षेत्रीय लोगों ने मिलकर गाड़ी को बुझाने का कार्य किया और उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आ गई थी। गाड़ी की आग बुझा दी है और अब आने